गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डिजिटल आईटीआई ग्रुप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का ट्रेड पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का, जिसमें टॉपिक है वायर का प्रकार। बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। देखिए, वायर मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। होता है। पहला नंबर है VIRY, दूसरा नंबर है CTSY, तीसरा नंबर है PVCY, चौथा नंबर है फ्यूज वायर, पांचवा नंबर है हम लोगों का वाइंडिंग वायर, छठा नंबर है फ्लेक्सिबल वायर, वायर रहता है। इसका देखेंगे प्रयोग कहां पे होता है। VIR वायर का फुल फॉर्म होता है वल्केनाइज्ड इंडिया रबर, जे मुख्यतः अस्थाई रूप से हीटर का वायर लगाने में या आयरन का वायर लगाने में, इसमें कॉटन का लेप चढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें VIR वायर का प्रयोग करते हैं, जिसपे क्या होता है कॉटन का वायर चढ़ा रहता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे वायर, तो जिस वायर में कॉटन का लेप चढ़ा हुआ रहता है, कॉटन का इंसुलेटर चढ़ा हुआ रहता है, उसी को कहेंगे हम लोग VIR वायर। उसके बाद आता है दो नंबर है हम लोग का CTSY। CTSY हम लोग का है केम टायर शीथ, इसका फुल फॉर्म होता है केम टायर शीथ। इसका प्रयोग अंडरग्राउंड केबल के रूप में इसका किया जाता है। इसमें दो इंसुलेटर लगा रहता है, एक साधारण पहले सबसे पहले कंडक्टर के ऊपर एक पतला सा इंसुलेटर लगा रहेगा साधारण रबर का, उससे एक हार्ड रबर लगाया जाता है। उसके बाद तो दो इंसुलेटर लगा रहता है, उसको हम लोग कहेंगे CTSY, जे हमेशा अंडरग्राउंड केबल के उपयोग में किया जाता है। ये मुख्यतः दो कोर, तीन कोर या चार कोर के होते हैं। और देखिए, इसमें जो कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर किसे कहते हैं, इस बीच जानना जरूरी है। कंडक्टर क्या हो, वैसे धातु जिससे क्या हो विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सके, उसे क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। उसके बाद आता है तीसरा नंबर हम लोग का PVCY। PVCY पॉलीविल्केनाइज क्लोराइड होता है। ये इस वायर का प्रयोग अस्थाई वायरिंग के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग अपने यूज में घरों में PVC वायर का प्रयोग किया जाता है वायरिंग करते समय। इसमें एक इंसुलेटर लगा रहता है जो कंडक्टर के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। इंसुलेटर अब किसे कहते हैं, ये भी जान लीजिए लोग। इंसुलेटर वैसे धातु जिससे क्या हो विद्युत धारा प्रवाहित न हो, उसे क्या कहेंगे, इंसुलेटेड कहेंगे। उसके बाद है हम लोग का फ्यूज वायर। फ्यूज वायर अल्मोनियम का बना होता है, जो हम लोग HRC फ्यूज के ट्यूब में लगा रहता है, जो ट्यूब आकार का स्पाइक आकार रहता है, बेलनाकार आकार का, उसमें ये होता है, वो वही उसी को कहा जाता है हम लोग को फ्यूज। ये पतला सा तार रहता है, ये नहीं जो किटकैट फ्यूज में हम लोग डालते हैं मोटा सा तार डाल दें कि बोर्ड जड़ जाए उसके बाद सर्किट कटे नहीं, तो वो नहीं वायर है। ये हम लोग का फ्यूज वायर वो होता है जो HRC फ्यूज के अंदर बेलनाकार ट्यूब में एक पतला सा तार होता है जो एल्युमिनियम का होता है। ये एल्युमिनियम या तांबे का भी हो सकता है, लेकिन एक पतला सा तार होता है। उसके बाद होता है हम लोग का वाइंडिंग वायर। वाइंडिंग वायर
वैसे वायर जो पंखे के वाइंडिंग में या मोटर के वाइंडिंग में उपयोग किया जाता है उसे वाइंडिंग वायर कहा जाता है। ये वायर 16 नंबर से लेकर 50 नंबर तक होता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाता है वैसे वैसे इस तार की मोटाई घटते जाता है। ये हम लोग उस वायर का प्रयोग, वाइंडिंग वायर का प्रयोग मोटर या पंखे के वाइंडिंग में किया जाता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल वायर। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीलापन। ये जहां पे इसका उपयोग किया जाता है हम लोग अस्थाई वायरिंग में किया जाता है। जैसे कोई भी फंक्शन हुआ तो वहां पे प्रयोग किया जाता है तो फ्लेक्सिबल वायर कर सकते हैं। ये हम लोग का सिंपल आता है 4 रुपये मीटर होता है या 5 रुपये मीटर होता है, जो साधारणतः दो दो या लाल काले में लपेटा रहता है, दो वायर रहते हैं हमेशा, उसे कहेंगे फ्लेक्सिबल वायर। इसका फ्लेक्सिबल वायर हम लोग का अस्थाई वायरिंग में किया जाता है। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।